वेलकम फ्रेंड्स, ये मेरा और एक वीडियो है। ये जो टीवी देख रहे हैं आप मेरे पीछे, लॉयड्स 32 इंच एलईडी टीवी है। इसका प्रॉब्लम, इसका जो बैकलाइट है वो नहीं चल रहा है, साउंड आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, बैकलाइट फेलियर हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बैकलाइट कैसे रिपेयर करते हैं, कम से कम पैसों में कैसे रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का मकसद यही है कि आपकी जो भी चीज़ हो वो कम से कम पैसों में रिपेयर हो जाए। मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं रिपेयरिंग के बारे में, सभी वीडियो आप देख लो। सभी वीडियो में मैंने बताया गया है कि आपकी जो भी चीज़ हो वो कम से कम पैसों में कैसे रिपेयर किया जा सकता है। मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस टीवी का रिपेयरिंग। यहाँ देखो, इसकी ब्लू जो पावर एलईडी है वो जल रही है, इसका मतलब इसका पावर ऑन हो रहा है, लेकिन इसका बैकलाइट नहीं जल रही है। लॉयड्स 32 इंच मॉडल नंबर L32DP। तो इसको खोलते हैं अब। सबसे पहला इसका जो इन्वर्टर सर्किट है वो चेक करते हैं। इन्वर्टर सर्किट मतलब जो एलईडी लाइट्स है, बैक लाइट, उनको ड्राइव करता है। इन्वर्टर की जो बूस्ट वोल्टेज है वो आनी चाहिए, वो 40 वोल्ट से 100 वोल्ट तक रहती है। कितनी आती है वो चेक करते हैं पहला। तो इन्वर्टर की वोल्ट 40 वोल्ट हमको मिल रही है, इसका मतलब इन्वर्टर ओके है, सही है। इस कनेक्टर से स्क्रीन के अंदर वायरिंग जाता है जो एलईडी लैंप को। इधर स्क्रीन खोल लिया। इसमें तीन एलईडी स्ट्रिप्स है, अभी चेक करते हैं कौन सा खराब है। ये मेरा एलईडी लाइट टेस्टर है। ये स्ट्रिप ठीक है, इसमें खराबी है, देखो ये नहीं जल रहा है बीच में का। ये थर्ड भी ठीक है। अभी इसमें बीच में से चेक करते हैं कौन सी एलईडी खराब है। यहाँ देखो, ये जो बीच में एलईडी है वो ख़राब है। ये लास्ट भी जल रही है, मतलब इसका मतलब ये बीच में का ख़राब है। ये एलईडी हमको बदलना है।
ये पुराना बोर्ड निकाला हुआ है, इसमें से जो सही अच्छे एलईडी है वो हम निकाल के उधर लगा देंगे, जो ख़राब है उसमें। इसको पहला चेक करते हैं ब्राइटनेस और वोल्टेज सेम है क्या, चेक करते हैं। ये दोनों एलईडी सही है। अभी चेक करते हैं इसकी ब्राइटनेस। 3 वोल्ट का एक एलईडी है, देखो इसका भी ब्राइटनेस सही है, सेम लेवल में है, तो ये एलईडी उसमें चलेगा। ये एलईडी मैं यहाँ से कट करूँगा और वहाँ सोल्डर कर दूँगा जिधर गई है उधर। इस काटे हुए एलईडी बोर्ड को थोड़ा स्क्रैप करके इसका पेंट जो है वो निकालना पड़ेगा, ताकि इसमें सोल्डर अच्छी तरह हो जाए। ये जो साइड है ये पॉजिटिव है, यहाँ मैं मार्क करता हूँ। और यहाँ अभी 2 पिन सोल्डर करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइड में एक पॉजिटिव साइड में। जो भी आपका रजिस्टर का पैर जो है वो कट किया हुआ है तो इसमें इधर चलेगा सोल्डरिंग के लिए। ये जो 2 पॉइंट है मैंने स्क्रैच करके सोल्डर लगाया है, उधर ये पिन सोल्डर करना पड़ेगा। यहाँ जो बीच में की एलईडी थी वो मैंने निकाल दी है, ख़राब हुई, और ये दोनों पॉइंटों में मैं वो पिन को सोल्डर कर दूंगा।
ये हमारी एलईडी अभी सोल्डर हो गई, अभी ऑन करके देखते हैं कैसे जलता है। तो अभी हमारा ये काम पूरा हो गया, सभी एलईडी जलने लगे। अभी इसमें फिटिंग करवा देते हैं स्क्रीन। ये वही एलईडी है जो मैंने सोल्डर करके लगवाई थी। ब्राइटनेस देखो सभी जगह एक जैसी है। ये वाइट स्क्रीन पीछे का मैंने बिठा लिया, अभी ऑन करके देखते हैं कैसी जलती है एलईडी। एकदम अच्छा, सही जल रही है, सभी जगह एक ही ब्राइटनेस है। ये हमारा अभी एलईडी फिटिंग काम पूरा हो गया, इसमें अभी स्क्रीन बिठा देते हैं और फाइनल फिटिंग कर देते हैं। स्क्रीन बिठाया, अभी ऑन करके देखते हैं। देखो ऑन हो गया, और देखो तो अभी सिग्नल देके देखते हैं पिक्चर क्वालिटी कैसी आती है। तो ब्राइटनेस सभी जगह सही है, एक जैसी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना काम अभी पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया जो बैकलाइट है वो कैसे रिपेयर करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दे दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।